सरकार एक तरफ बिहार के बेरोजगार युवकों को बोल रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ बिजली विभाग में पूरे बिहार में 19,000 युवकों को यूज एंड थ्रो कर उसको यूज कर बेरोजगार कर रही है स्मार्ट मीटर लगाकर। सरकार से हम मांग करते हैं कि सारे बेरोजगार युवकों को बिजली विभाग में मीटर रीडर के पद पर समायोजित करें। मेरा बिहार सरकार से अनुरोध है कि 7-8 साल से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं मीटर रीडर के तौर और आज हम लोगों को प्रीपेड मीटर लाकर बेरोजगार कर दिया गया। तो सरकार से हमको अनुरोध है कि हम लोग पूरे जवानी इसी में बिताए, अब हम लोगों को उम्र निकल चुका है, अब हम लोग कहाँ जाएं, तो हम लोगों को किसी न किसी पद पर समायोजन करें और इसके लिए हम लोग बिहार सरकार के सदा के लिए आभारी रहूँगा। हम लोग 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं RRF का, जो घर घर जा कर के बिजली का वसूली करना, देख रेख करना, बिल देना, और हम लोग बहुत आशा से इसमें काम करते करते आ रहे हैं। बाकी कोई काम हम लोग नहीं किए इसके सिवा, इसी पर निर्भर हैं हम लोग। जैसे पैसा आने लगा हम लोग को 15,000-20,000 रुपये महीना आने लगा, इसको देखते हुए हम लोग अपना बाल बच्चा को अच्छा अच्छा स्कूल में एडमिशन करा दिए। अब रोजगार हम लोग देख रहे हैं, रिचार्ज मीटर लग गया उसके बाद हम लोग का रोजगार नहीं दिखाई दे रहा है। रिचार्ज करने के लिए विभाग बोल रहा है, लोग अपने से रिचार्ज कर ले रहे हैं, जा रहे हैं कहने के लिए जी रिचार्ज कराइए, तो लोग कह रहे हैं जी हम तो अपने से कर दिए रिचार्ज, अब हम कहाँ खोजे आपको, कहाँ कहाँ खोजे हम। कहीं फीस के चलते बाल बच्चा को वहाँ से नाम काट कर हटाया जा रहा है, घर में बीमारी हो रहा है उसको दिखाने के लिए अब हम लोग आगे सब दिखाई दे रहा है कि जो हम लोग अब कहाँ से पैसा लाएंगे, अपना पालन पोषण कैसे करेंगे, घर द्वार कैसे चलाएंगे, और भूखमरी के कगार पर हम लोग हैं। सरकार से हम लोग को बहुत आशा था कि जो हाँ भाई 10 साल जो आदमी काम हम लोग जो किए हैं, विभाग हम लोग को नहीं हटाएगा, कहीं ना कहीं हम लोग को बिजली विभाग में रखेगा ही, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि जो नहीं, कहीं नहीं जगह है हम लोग के लिए, हम लोग को साफ बेरोजगार कर दिया गया, उम्र भी खत्म हो गया हम लोगों की, जो हम अब लोग हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ वैकेंसी भरेंगे, कहाँ बहाली भरेंगे, कहीं कोई नहीं लेगा, हम लोग का एज रिजेक्ट हो चुका है। हम लोग अपना गोल्डन चांस सब इसी में दे चुके हैं, पूरा अपना जवानी इसमें बिता चुके हैं हम लोग, और हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले विभागों का खूब अच्छा से बोल विचार हम लोग के साथ में था, लेकिन कुछ कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जिसमें सौतेला व्यवहार की तरह दिखाई दे रहा है हम लोग को। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं हम लोग कि जो हम लोग को कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए, कहीं ना कहीं काम पर रखा जाए। हम लोग पूरे जिला से इकट्ठा हुए हैं, हम लोग बिजली विभाग में मीटर रीडिंग एवं राजस्व वसूली का काम विगत 10 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, और आज विभाग जो है स्मार्ट मीटर जो लगा रही है, इससे हमारे सारे साथियों की बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, और बहुत सारे लोग 1-2 माह 3-4 माह में बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम लोग 10 वर्षों में दिन रात धूप में, बरसात में, जाड़े में इसकी परवाह न करते हुए हम लोग बिजली विभाग को शिखर तक पहुंचाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिए, यहाँ तक कि हमारे किसी भी भाई की तबीयत भी खराब हो जाती थी तो टैबलेट खा के जाने के लिए हम लोग बाध्य रहते थे। आज के डेट में सारे लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं, तो हम लोगों की सरकार से मांग है कि हम लोगों का समायोजन कहीं ना कहीं किया जाए। हम लोगों को न विभाग से कोई शिकवा है और न स्मार्ट मीटर लगाने से हम लोगों को कोई शिकवा है, ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार उस पर अमल करे। लेकिन हम जितने बेरोजगार लोग हो रहे हैं, इन लोगों के ऊपर ध्यान देते हुए बिजली विभाग में ही हम लोगों को किसी न किसी पद पर कोई न कोई काम देकर हम लोगों का समायोजन किया जाए।